नमस्कार, ममता किचन में आपका स्वागत है। आज हम आमले का जूस बनाएंगे। आमले का जूस बनाने के लिए हमने 7-8 आमला धो के काट लिए और कुछ पुदीने के पत्ते हैं, आधी चम्मच जीरा है, आधा चम्मच काला नमक है, 1 चम्मच सफ़ेद नमक है और 2 चम्मच शहद है। जूस बनाने के लिए एक जार लेंगे, इसमें ये आमले डाल देंगे। काला नमक 1/4 चम्मच है, आधा चम्मच सफ़ेद नमक और ये भुना हुआ जीरा, कुछ पुदीने के पत्ते, अब इसमें हम 1/2 गिलास पानी डालेंगे और इसको हम पीस देंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच शहद डाल देंगे। शहद की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं और इसको एक बार फिर से पीस देंगे। हमने इस तरह पीस लिया है, अभी इसमें 1/2 गिलास पानी और डाल देंगे, आधा हमने पहले डाल दिया था। अब इसको हम छान देंगे। इस तरह हमने सारा आमले को छान लिया अच्छी तरह और इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम सब्जी में यूज कर सकते हैं या जीरा भून के इसकी हम गोली बना सकते हैं, काला नमक और जीरा डाल के। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब 1 गिलास में हम हनी डालेंगे, 1 चम्मच हमने पहले डाल दिया था, 1 चम्मच अब डाल दें और इसको इसमें पलट देंगे। आमले का जूस बनकर तैयार है। आमले का जूस हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, जैसे बाल झड़ते हैं या हम जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, हमें जल्दी जुकाम हो जाता है, तो ये सभी चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो आप भी इस आमले के जूस को ज़रूर बनाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।